ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपनी ही मेड के साथ दिन रात घपा घप करते रहता है, यहाँ तक कि अपने बर्थडे के दिन भी नहीं छोड़ता। आगे उन दोनों के बीच में क्या होगा वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है द मेड और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और जैक के मॉम की डेथ कुछ समय पहले हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। अभी जैक अपने डैड के पास बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा था। जब जैक के पापा ने दूसरी शादी की थी तब से जैक उनसे नफरत करने लगा था। उसके बाद जैक अपने डैड के पास पहुंच जाता है और वो कमरे में जाके स्मोक करने लगता है। तभी जैक को बाहर एक लड़की दिखाई देती है और उसे देखने के बाद वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तब जैक नीचे गार्डन में जाता है और वो उसे देखने लगता है। तभी जैक के पापा उसके पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि इसका नाम मारिया है और ये हमारी मेड है। उसे देखने के बाद जैक के दिल में एक ही गाना बज रहा था। इसके बाद जैक के डैड मारिया और जैक को एक दूसरे से मिलवाते हैं। अगले दिन जैक अपना कैमरा लेके फोटो खींचने के लिए बाहर निकल जाता है। इसी दौरान जैक के पास एक खूबसूरत सी लड़की आती है और वो जैक से मजे लेने लगती है, पर जैक उस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तभी वहाँ से मारिया गुजरती है और जैक अपना पूरा इंटरेस्ट उस पर दिखाता है। घर आने पर मारिया जैक को बोलती है कि तुम्हें कुछ और समय उस लड़की के साथ बिताना चाहिए था, लेकिन जैक के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जैक मारिया से बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह हो और उसके बाद जैक उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाता है। ये देखने के बाद मारिया उसे अपने बारे में बताती है और वो उसे बताती है कि वो बहुत कम उम्र में पेट से हो गई थी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरा साथ नहीं दिया और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया था और उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही मेरे बच्चे की डेथ हो गई थी। ये सब बातें होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। तभी यहाँ से सीन स्विफ्ट होता है और हम जैक के डैड को देखते हैं और वो जैक को बताते हैं कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। पर इस बात पे जैक अपने डैड से लड़ने लगता है। अगले दिन जैक के डैड उसे बताते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जिसके वजह से घर में सिर्फ मारिया और जैक बचे थे। रात को सोते वक्त जैक मारिया की फोटोज देखकर अपने पप्पू को मसाज दे रहा होता है। अगले दिन मारिया का एक्स हस्बैंड उसके पास आके बोलता है कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अगर हम चाहे तो हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मारिया उसे कहती है चल बाजड़ी के। ये सारी बातें चुपके से जैक भी सुन रहा था। अगले दिन वो दिन आता है जिसके लिए जैक यहाँ आया था, मतलब उसका बर्थडे। तब मारिया सुबह सुबह उसे पूछती है कि तो तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, जिस पर जैक उसके पास जाने लगता है, लेकिन मारिया उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन जैक खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मारिया को इधर उधर छूने लगता है, जिस पर मारिया उसे बर्थडे वाले दिन भी चाटा मार देती है। लेकिन तभी अचानक से जैक को बुलाने के लिए वही लड़की उसके घर आ जाती है जो जैक से मजे ले रही थी और जैक भी उसके साथ बाहर चले जाता है। ये देखने के बाद मारिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। घर आने के बाद जैक देखता है कि मारिया रो रही है और जैक उसे चुप कराने के बहाने उसे मसाज देने लगता है। ये देखने के बाद मारिया भी पिघल जाती है और वो दोनों खपाखप करते हैं। अगले दिन मारिया किचन में अपना काम कर रही होती है, तभी अचानक से वहाँ जैक आता है और ये दोनों वहीं पर खपाखप करने लगते हैं, लेकिन इनका शो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि तभी वहाँ जैक के डैड आ जाते हैं, लेकिन डैड के आने से पहले ये दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। उसके बाद जैक के डैड जैक को बर्थडे विश करते हैं और उसे एक बर्थडे गिफ्ट देते हैं, पर जैक फिर से अपने डैड से बदतमीजी करने लगता है। उसके डैड उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन जैक उस पे भी उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे अभी मारिया के साथ टाइम स्पेंड करना था। अगले दिन जैक के डैड उसे अपने साथ बिठाते हैं और उसे समझाते हैं कि मैंने दूसरी शादी तुम्हारी परवरिश के लिए की है ताकि मैं तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर सकूं। उसके बाद मारिया जैक को अपने साथ अपने घर ले जाती है, पर इस बात पे जैक को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद ये दोनों फिर से वहाँ पर घपाघप करते हैं। मारिया काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी इसीलिए ये दोनों बार बार घपाघप करते हैं और मारिया जैक को समझाती है कि तुम भी अपने पापा से ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब जैक घर आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश था और उसे खुश देखकर उसके डैड भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन जैक को यहाँ आए हुए बहुत दिन हो चुका था और वो यहाँ से वापस जाने की तैयारी करने लगता है और वो अपने डैड का गिफ्ट भी अपने साथ रख लेता है। जैक को वहाँ से जाता देख उसके डैड उसे गले से लगा लेते हैं और ये देख के मारिया भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि ये सब कुछ मारिया की वजह से ही हो पाया था। उसके बाद मारिया भी अपनी मॉम के पास जाती है और वो अपनी मॉम से बताती है कि मैं पेट से हूँ, जिस बात से उसकी मॉम ज्यादा खुश नहीं होती, लेकिन मारिया इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी और मारिया के पेट में जैक का ही बच्चा था। और इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए